नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विथ HSM में। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2020 में ऑनलाइन पंजीकरण की तिथियां बढ़ा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ एंड इवेंट्स में पब्लिक नोटिस रिलेक्शन इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 7 अगस्त 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिलेक्शन इन बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेशन 2022-2021 एंड न्यू नाटा 2020 रजिस्ट्रेशन। काइंड अटेंशन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आर्किटेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल कंसर्न्ड, इन व्यू ऑफ द पेंडेमिक COVID-19 एंड पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ 10+2 लेवल एग्जामिनेशन बाय वेरियस बोर्ड्स ऑथोराइज्ड इन द कंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हैज रिलैक्स्ड द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ 5-year बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री कोर्सेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन 4 ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चुअल एजुकेशन रेगुलेशंस 1983 फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-2021 एज ए वन टाइम मेजर एज अंडर। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पेंडेमिक जो COVID-19 डिजीज़ के कारण 10+2 के जो एग्जामिनेशन थे, विभिन्न जो बोर्ड थे वो एग्जामिनेशन क्या थे, कैंसिल कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए और आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो रिलेक्शन दिया गया है, छूट दी गई है एलिजिबिलिटी एडमिशन के अंतर्गत, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो नाटा 2020 में रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बढ़ा दी गई है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या परिवर्तन किया गया है। नो कैंडिडेट शेल बी एडमिटेड टू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस सी या ही हैज़ पास्ड इन 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विद PCM सब्जेक्ट्स या पास इन 10+3 डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स एज द केस में बी। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द एप्टीट्यूड टेस्ट नाटा या GEE, तो यहाँ पर या तो GEE क्वालिफाई होना चाहिए या फिर नाटा क्वालिफाई होना चाहिए, विथ पास परसेंटेज इन 10+2 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विथ PCM और 10+3 डिप्लोमा विथ मैथमेटिक्स शेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2021। तो यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। तो नाटा जो टेस्ट वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके संदर्भ में कि टेस्ट की जो डेट है वो कौन सी निर्धारित की गई है। नाटा 2020 शेल बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग पार्ट ए टेस्ट कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ ड्राइविंग एंड विजुअल कंपोजिशन टेस्ट, पार्ट बी टेस्ट ऑन द साइंटिफिक एबिलिटी एंड जनरल एप्टीट्यूड। द फर्स्ट नाटा टेस्ट शेल बी कंडक्टेड ऑन 29 अगस्त 2020 वाइल द सेकेंड टेस्ट इन टेंटिवली शेड्यूल ऑफ ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ सितंबर। तो यहाँ पर जो नाटा टेस्ट फर्स्ट का जो आयोजन किया जाएगा 29 अगस्त 2020 को किया जाएगा और इसी के साथ में
सितंबर के सेकंड और थर्ड वीक में, या तो सेकंड वीक में या फिर थर्ड वीक में जो नाटा सेकंड है वो टेस्ट का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्फर्म देयर वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन एज आइदर होम और नियरेस्ट टेस्ट सेंटर एज पर द कन्वेंशन। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नाटा 2020 एग्जामिनेशन हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंडेड अप टू 16 अगस्त 2020 11:59 PM। तो यहाँ पर 16 अगस्त 2020 तक जो आवेदन की पंजीकरण की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ में पंजीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले जो ब्रोशर है जो अवेलेबल कराया गया है वेबसाइट पर उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। और यहाँ पर nata.in के माध्यम से या coa.gov.in के माध्यम से हम पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर हेल्प डेस्क ईमेल आईडी और हेल्प डेस्क नंबर पर हम संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रोसेस है 16/8/2020 तक बढ़ा दी गई है। अब बात कर लेते हैं हम ब्रोशर के संदर्भ में। तो ब्रोशर है ब्रोशर न्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं पंजीकरण कैसे करना है। तो नाटा 2020 रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन और साइन अप। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें साइन अप पर जाना होगा। जैसे हम साइन अप करेंगे, साइन अप करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। यहाँ हमें फुल नेम लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा, मदर नेम लिखना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विशेष रूप से चेक करके और फिर भरें। डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, आधार नंबर भरने होंगे, पासवर्ड चूज करने होंगे, कन्फर्म पासवर्ड लिखना होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन और यहाँ सिक्योरिटी आंसर देने होंगे, एंटर सिक्योरिटी कोड एंड यहाँ जो कैप्चा है यहाँ हम कैप्चा को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस कैप्चा को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। साइन अप पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुलकर सामने आ जाएगा और हमारे जो ईमेल आईडी दी हमने, पहले ईमेल आईडी हमारे पास में एक तो ये वाली है और यहाँ मोबाइल नंबर, इस पर एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसके आधार पर हमें लॉगिन होने के लिए जो पासवर्ड है वो मिल जाएंगे। तो जैसे हम साइन अप होने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो हमें एसएमएस के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं उनको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के पश्चात यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी कोड रखेंगे, यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही एप्लीकेशन फॉर्म को हम आसानी से भर पाएंगे। अगर हम पासवर्ड को भूल जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एंटर ईमेल आईडी DOB सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ से हम सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, एंटर सिक्योरिटी आंसर यहाँ फिल करेंगे और सबमिट पर बटन दबा देंगे। सबमिट पर जैसे हम बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही हमारा जो पासवर्ड है जिसे हम भूल गए हैं वो जनरेट हो जाएगा। और इस संदर्भ में जो
मैसेज है वो हमारे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।